दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमारे 11 के बी की पावर सप्लाई होती है वो मीटर तक आती है, उस केबल को किस तरह से तैयार किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले केबल को हेक्सा ब्लेड से चारों साइड से अराउंड में काट लेते हैं, ताकि उसके अंदर जो आर्मर्ड वायर है, आर्मर्ड है, वो भी कट जाए और इंसुलेशन भी कट जाए। इंसुलेशन विद आर्मर्ड को हम काट लिए। 120 mm² का यह केबल है और इसका हमने आर्मर को काट लिया। उसके बाद केबल का इंसुलेशन है, बीस इंसुलेशन, उसको हटा लेते हैं। यह XLPE केबल है, इसका अंदर मजबूती बहुत होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल 11 kV, वो 11,000 वोल्टेज के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया है, इसका इंसुलेशन को हमने अच्छे से इलेक्ट्रिकल नाइफ के द्वारा काट करके निकाल लिया, और आर्मर को हमने हेक्सा ब्लेड से काट ही दिया था, थोड़ा सा हिलाएंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा, आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। जो आर्मर वायर है उसको काट करके हटा लिया गया। अब ये जो केबल का आर्मर है उसको हटाएंगे, और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी जो टर्मिनेशन किट है ना, उसका इस्तेमाल करके इस केबल को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाए, उसके बाद इसमें हम अच्छे से क्लैंप जो होगा उसको लगाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसके अंतर्गत कट करके थोड़ा सा आर्मर्ड को अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद ये जो टर्मिनेशन जो किट है उसको हम बाहर निकालते हैं। देखिए जितनी आवश्यकता होती जाएगा उसके अनुसार हम इसमें लगाएंगे। सबसे पहले क्लैंप जो होगा उसको इसके अंतर्गत टाइट कर देंगे, जो हमने अभी जस्ट छीन लिया था ना, जस्ट जो हमारा हमने अच्छे से उसको काट लिया था आर्मर्ड को, अब आर्मर्ड वायर को जितना छीला था उस वाले को इसमें कनेक्ट करके इसको टाइटली लॉक कर देंगे। लेकिन लॉक करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके जो जो इंसुलेशन सीट है उसको फिर हटा लेंगे, जो आर्मर के नीचे है उस इनर सीट को हटा लेंगे। ये हमारा इसके अंदर का सीट है तो इसको हटा लेते हैं, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए दिया है। जस्ट इसके अंदर का एक और लेयर दिया है धागे का, उसको भी हटा लेंगे। बहुत सारा ये इस केबल को मजबूत करने के लिए और भी सिंपल सिंपल जो हल्की मोड़ने से ही टूट जाती है, ऐसी प्लास्टिक की लेयर दे रखी है। पूरी तरह प्लास्टिक नहीं है लेकिन प्लास्टिक मिक्स है इसमें। उसके बाद केबल को अच्छे से फैला देंगे। अब हमारा जो केबल का कोर है वो अलग-अलग हो गया। अब इसमें हम टेप मारेंगे। इस टेप का यूज क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब दोस्तों जो हमने केबल से एक्स्ट्रा आर्मर्ड वायर को हटाया निकाला था, उस आर्मर्ड वायर पे हम क्लैंप को अच्छे से कॉपर ब्रेड को लगाते हुए टाइट करेंगे। इससे ये होगा कि हमारा ये कॉपर ब्रेड जो है, मतलब कि कॉपर की जो चोटी आपको दिख रही है, इसका इस्तेमाल होता है अर्थिंग के लिए। और दोस्तों अब जी आर्मर्ड वायर है उसको बहुत अच्छे से टाइटली टाइट कर देंगे, मतलब कि जो गोटी रिंच है इसके द्वारा, गोटी पना ही, इसके द्वारा हम अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ये होगा कि हमारा जो ये कॉपर का ब्रेड है अच्छे से अर्थिंग को, जो हमारा ये आर्मर्ड वायर है इसके साथ अच्छे से बंध जाएगा, और आर्मर्ड वायर जो होगा अर्थिंग का काम करेगा।
तो अगर कोई भी लीकेज वगैरह होगा इसमें, वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि हमने इसे अर्थिंग से जोड़ देना है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब ये हमने एक्स्ट्रा टेप लगाया, और इसको जो हमने केम्पल क्लेम्प लगाया था, ये क्लेम्प को हम अच्छे से काट देंगे। हमने केबल में जो ये आर्मर के ऊपर क्लेम्प लगाया था उसको हम तोड़ देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा रहेगा तो दिक्कत आएगा इंसुलेशन चढ़ाने वक्त। अब हम क्या लेते हैं, ये कच्चा टेप लेते हैं और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। इन जो हमने अभी क्लेम्प लगाया है उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे, ताकि ये बढ़िया से अटैच हो जाए इसमें। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये कच्चा टेप है दोस्तों, इसको अच्छे से इस पर फिक्स करेंगे, लपेट देंगे अच्छे से मजबूती के साथ। ये चिपक जाता है, कच्चा टेप है। अब इसके बाद जो इसके ऊपर लेयर था, ये फॉयल है दोस्तों, ये कॉपर का फॉयल है, इसको हटा लेंगे। जैसे एल्युमिनियम फॉयल आता है दोस्तों, उसी प्रकार से ये कॉपर का फॉयल है। ये केबल पे लगा हुआ है, केबल के कोर पे, इसको हटा लेंगे। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो गया एक तरह से। तो आपने देखा कि एल्युमिनियम के फॉयल, ये कॉपर के फॉयल को हटाने के लिए वहाँ पर टेप लगाया गया था। मैंने बोला था अभी टेप का जो यूज है वो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कलर कोडिंग के लिए RYB का ये एक प्लोथिंग का लेयर, प्लोथिन का सिंपल सा एक बोल सकते हैं चोटी दे रखा है, उसको हटा लेंगे तोड़ के। अब टेप को और मजबूती से बांध देंगे, हिले हो ना। इसके बाद तीनों केवर को ये किट लगाएंगे, और इस किट को अच्छे से बैठा देंगे उसमें, तीनों कोर के अंदर फंसा करके ये किट को अंदर तक डाल देंगे। ये टर्मिनेशन किट है का हिस्सा है, ये अंदर से अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसको गर्म करके इसको अच्छे से ये पकड़ लेगा। ये दोस्तों ये प्लास्टिक का ही होता है, इसको गर्म कर देंगे तो ये चिपक जाएगा। इसको गर्म करने के लिए हम इसको जलाते हैं, जब ना गैस बत्ती है जल गया। अब इसके द्वारा हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करते ही देखिएगा पूरा फिक्स चिपक जाता है ये। देखिए दोस्तों कितना अच्छे से ये फिक्स हो रहा है, चिपक रहा है, एकदम फिक्स बैठ जाएगा, एकदम अस्थिर अच्छे से बैठ जाए, चिपक गया। अब क्या करेंगे, जो ये बाकी का जो 3 कोर के जो केबल है, अब इस केबल पर भी हमें प्लास्टिक की जो टर्मिनेशन किट है वो यूज करना है, वो लगाना है। तो इसके लिए इनके जो तीनों कोर है ना केबल का, उसके ऊपर की जो ब्लैक लेयर है उसको हटाना पड़ेगा, ताकि अच्छे से प्लास्टिक को जब हम गर्म करें इसके
को जो टर्मिनेशन किट है उसको गर्म करें तो वो चिपक जाए। तो तीनों केबल, इस केबल के तीनों कोरों को अच्छे से, जो ऊपर की लेयर है पीवीसी की, उसकी फरोज करके ब्लैक वाली को हटा लेंगे। जब ये हट जाएगा तब इसके ऊपर भी हम जो टर्मिनेशन किट है, हीट सिंकलेबल टर्मिनेशन किट, उसका यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कच्चा टेप है उसका इस्तेमाल तीनों कोर पर कर लेंगे। और यहाँ पे ये टर्मिनेशन किट को लगा करके इसको गर्म कर देंगे, ये फिर बैठ जाएगा। देख लीजिएगा अभी भी जो कॉपर का फॉयल है वो दिख रहा है, उसको भी कवर करेंगे लेकिन इसको उससे ऊपर रखेंगे। जहाँ से हमने एल्युमिनियम और कॉपर फॉयल को स्टार्ट किया, देखो कितना अच्छे से फिक्स हो गया, पूरा चिपक गया है। अब बड़ी वाली डाल देंगे तो अंदर तक बैठ जाएगा बढ़िया से। ये टर्मिनेशन किट का बड़ा ये प्रोटेक्शन कवर है, रेजिस्टेंस कवर बोल सकते हैं। ये एक तरह से ये प्रोटेक्शन देता है करंट को फ्लो करने करने से, रेजिस्ट बहुत अच्छा सा ये कवर करता है, करंट फ्लो नहीं होता है, केबल को बांध कर रखता है अच्छा, ये एक तरह से इंसुलेटर काम करता है अच्छे से। ये क्या हो गया, अपना बैठ जाएगा एकदम फिक्स, केबल एकदम सुंदर दिखेगा और सटीक दिखेगा, और जल्दी केबल वहाँ से टूटेगा नहीं, कोर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत लाइफ बढ़ जाता है इस तरह के, जब अच्छे से इसका टर्मिनेशन किट का यूज करके उस केबल को के कोर को प्रोटेक्शन दिया जाता है तो मजबूती भी आ जाती है और जल्दी टूटता भी नहीं है। इस कवर को भी गर्म करके कंप्लीटली चिपक जाएगा, ये पूरा पूर्णतः चिपक जाएगा, आप देख सकते हैं गर्म करते ही पूर्णतः चिपक गया। आप थोड़ा सा आगे वाली से गर्म करके कर देंगे ताकि इसको हटाने में, इसके अब यहाँ पे हम लगाएंगे जो थिम्बल है अपना लग्स, उसका इस्तेमाल करेंगे। 120 का के बल है तो 120 का अपना थिम्बल लगेगा, उसको लगाएंगे। अब 120 के केबल और जो अपना लग्स है उसको इंस्टॉल करेंगे इसमें फिक्स करके। ये बैठ गया है, ये अपना हाइड्रोलिक क्लिंपिंग टूल है, आसानी से इसके द्वारा क्रिम्प जो अपना लग्स होता है, जो थिम्बल होते हैं, उसको अच्छे से चिप केबल के अंदर फिक्स करने में मदद मिलती है। बहुत आसान तरीका और बिना जोर जबरदस्ती का यह काम आसानी से हो जाता है। केबल आपको दबाना है आसानी से और इसको हटाने के लिए इस को घुमा दिया होता है बस।
देखो कितना आसानी से गलत बातें जाओ, और ये केवल के लक्ष्य को अच्छे से फिक्स कर देगा चारों तरफ से राउंड। तो इसके अंदर डाया होता है दोस्तों, डाया आपका 120 का केवल रहता है, 120 का डाया लगता है, तब जाकर ये अच्छे से फिक्स करता है उसको। जब ये थिम्बल कंप्लीट हो गया तब इसके ऊपर अच्छे से कच्चा टेप को फिर लपेट देंगे, ये रेड कलर में कच्चा टेप है। अच्छे से कच्चे टेप को लपेट देंगे तीनों कोर पे, तीनों थिम्बल पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। दोस्तों इसमें कच्चा टेप का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कच्चा टेप गर्म होता है तो चिपक जाता है। यह दोस्तों प्रोटेक्शन अम्ब्रेला है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस को केबल से हटाता है, बारिश से भी केबल के अंतर्गत बारिश ना जाए जिससे भी यह प्रोटेक्शन करता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है। अब इसको भी अच्छे से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।